कर, हेडलाइट चालू राव देन कर, अप्पर डिपर कर, हाँ कर दे सर, ठीक है पास। फ्रेंड्स अब इसका कैसा बल्ब चेक करेंगे, चेंज करेंगे, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहला आपने देखा इस साइड का बल्ब सही है, अप्पर डिपर, इस साइड का बल्ब नहीं चल रहा है। तो इस साइड का बल्ब को मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि इस साइड का बल्ब गया है फ्रेंड्स। सबसे पहला आने के बाद ये कैप रहता है, ये कैप को आपको ऐसा घुमाने का है, ये घुमाने के बाद बाहर निकलेगा। और इसके बाद इसको देखिए सॉकेट निकालना पड़ता है, ये 3 पिन का सॉकेट है हेडलाइट का, ये सॉकेट निकालना पड़ता है। ये सॉकेट निकालने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसका लॉक रहता है बल्ब को, ये देखिए ये जो लॉक आता है ये इस खाँचे में बैठता है। ये देखिए फ्रेंड्स इधर एक खाँचा है, इसको दबा के निकलने का रहता है। ये देखिए ऐसा ये जो लॉक आता है ये इसमें, ये देखिए ऐसा दबा के अंदर प्रेस करने का रहता है तब वो निकल जाता है। देखिए कुछ कुछ लोग इसको डायरेक्ट इससे डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको पहले नीचे दबाना पड़ेगा, फिर बाहर लेना पड़ेगा, फिर ऊपर, तब ये आ जाएगा और इसको पूरा पीछे कर देने का निकल जाएगा। और उसके बाद ये हमारा ये बल्ब डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसका बल्ब तो फूट गया है कांच, तो ये बल्ब जल गया है, इसके लिए हम लोग इसका बल्ब चेंज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी अगर बल्ब चेंज करना है तो ये मेरा ये छोटा सा वीडियो देख के आप भी सीख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ज़्यादा करके गाड़ियों में 190 आता है, 190 वॉट का, ये बोश का है और शर्म का भी आता है। तो आपको अगर बल्ब कितने का बैठता है, आपकी कंपनी जो देती है वो 190 नहीं तो 55-60 का आता है, और जो एक्स्ट्रा रहता है जो कटआउट को वो 130 डालते वॉट का। तो हमारा 190 का बल्ब है, हम 190 नहीं तो 55-60 का ही डाल देंगे। फ्रेंड्स हमारे पास ये जूना बल्ब है गाड़ी के अंदर ही था कस्टमर का, ये है हमारा वो था 190 और ये है हमारा 60-55, और ये दूसरा कंपनी है फिलिप्स का है फ्रेंड्स। तो हम लोग ये बल्ब चेंज करने वाले, ये जो नई बल्ब है लेकिन ये चालू है, तो कस्टमर ने बोला ये लगाना है तो हम लोग लगाएंगे। लगाने का भी इजी है, पहले देखिए सबसे पहले ये जो पिन आते हैं ये तीन पिन जो आते हैं 1, 2, 3, ये बीच वाला पिन जो है हमेशा ऊपर साइड में आएगा, ऐसा या फिर ऐसा नहीं आएगा या फिर ऐसा नीचे भी नहीं आएगा, हमेशा ये बीच वाला पिन जो है कोई भी हेडलाइट को ऊपर ही आएगा या ऐसा ही बैठेगा, डिज़ाइन याद रखिए। क्योंकि इसको जो खाँचे दिया गया है ये तीनों खाँचे में मैच होना चाहिए, ये तीनों खाँचे मैच हो गया तभी उसका बल्ब बैठेगा फ्रेंड्स, नहीं तो टेढ़ा बैठेगा तो आपका रोशनी भी गलत जगह पर जाएगा और ऊपर नीचे जाएगा और उसको फोकस भी नहीं मिलेगा, और बल्ब हिलेगा तो फिर चालू में फूट जाएगा, उड़ जाएगा तार। तो ये खाँचा ठीक से बिठाना है, देखिए कैसा बिठाना है, देखिए उधर भी खाँचा है, ये खाँचा ये देखिए ये ऊपर आना चाहिए, खाँचे में इसको बिठा देंगे, ये देखिए, ये देखिए ये बैठ गया ऊपर साइड में। और इसको लॉक को क्या करने का, ये जो वाला लॉक है इसको उधर दबा कर उसको बाहर लेने का पहला, फिर अंदर डालने का, फिर निकलने लॉक कर देने का, ये होगा हमारा बल्ब लॉक। इसके बाद ये 3 पिन का एक सॉकेट आता है, ये 3 पिन का सॉकेट लगा देने का, ये बैठ गया, तार थोड़ा अंदर डाल देंगे। उस साइड का भी अगर बल्ब चेंज करना है तो फ्रेंड्स ये इजी वे है, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। और एक कैप भी है, एक कैप भी बिठाने का टाइम, इसको भी लॉक आते हैं, इसको घुमाते रहने का जब तक कि वो लॉक ना हो जाएगा। ये देखिए ये लॉक हो गया, ये जूना बल्ब तो हम फेंक देंगे, हेडलाइट चालू करके देखते, ये देखिए ये चल रहा है, ये देखिए ये अप्पर डिपर हमर हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, पहले एक ही बल्ब लग रहा था ये साइड का, लेकिन अभी दोनों भी हो रहा है। ये देखिए ये भी अप्पर नीचे हो रहा है, ये भी हो रहा है अप्पर नीचे।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे। और जो भी नए वीडियो आप चाहते हो और नए वीडियो के बारे में फ्रेंड्स मेरे को बोलो, मैं कमेंट करो, कमेंट में मैं आप लोगों को वो टाइप की वीडियो बनाता रहूँगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, कम्युनिटी टैब में फ़ोटो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, उसको भी देख लिया करो, लाइक करो, उसको भी इधर कमेंट करो फ्रेंड्स और शेयर करो फ्रेंड्स। और ये वीडियो इतना ही था, छोटा सा हेडलाइट का बल्ब था, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे को यूट्यूब पर हेडलाइट का बल्ब सिमो का पैसा चेंज करने का, फ्रेंड्स मैंने चेंज किया। और फ्रेंड्स आप लोग को भी मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, और अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो एक बार तब तक बाय बाय।